जब अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखते हैं तो बेसुध होकर बिलखने लगते हैं, लेकिन कृष्ण अपनी रणनीति, अपनी युद्ध नीति, अपनी कूटनीति, अपनी राजनीति की वजह से अभिमन्यु को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकते हैं। राम स्वर्ण मृग के पीछे मोहित हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण बिल्कुल इन सारे मोह माया को बिल्कुल अलग झटक कर फेंक देते हैं, क्योंकि कृष्ण जिस भी भूमिका में है, चाहे वो प्रियतम की भूमिका हो, एक योद्धा की भूमिका हो, रणनीतिकार की भूमिका हो, सब में बिल्कुल अलग, एक सखा की भूमिका हो, एक पति की भूमिका हो, सब में वो चरम और परम की ओर है, परम उत्कर्ष की ओर दिखाई पड़ते हैं, तभी तो वो अद्वितीय है। कृष्ण इसलिए अद्वितीय है कि कृष्ण ने जो मानवीय मूल्य बनाए हैं, मानवीय जो मर्यादाएं गढ़ी हैं, कृष्ण ने बताया कि पुरानी मर्यादाओं में बंद कर रहने का कोई मतलब नहीं, अपने व्यक्तित्व से, अपने बाजुओं से मर्यादाएं गढ़नी पड़ेगी। इसीलिए कृष्ण का सौंदर्य वो भी अप्रतिम है। वंशी विभूषित करार नवनीर दाभार पीताम्बराद अरुण बिंब फला धरोष्ठात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात परम चुनित तत्व यानी जिनके हाथों में वंशी शोभायमान है, नए मेघ की कांति की तरह उनका स्वरूप है, उनके शरीर पर पानी है, पीताम्बर ऐसा शोभित हो रहा है मानो बादलों में बिजली चमक रही हो, और पूरा मुखमंडल ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा पर शालिग्राम पड़ रहे। वंशी शोभित कर्मधुर नील चंदन कंचन अरुण अधर जन बिंब फल नयन कमल अभिराम। कृष्ण अपने आप में बाल तो है। ये बाल पे ना दो प्रेम राजनीति न्याय के साथ भी खड़े हैं, युद्ध के साथ भी खड़े हैं, ये तो हो गए दो जोड़ी और होंगे ऐसे किस नदी के लिए। बिल्कुल एकदम शाश्वत सत्य की तरह खड़े और अड़े हैं कृष्ण। इसलिए कृष्ण के भक्तों से ये पूरी दुनिया अटी और पटी है, क्योंकि कृष्ण हजारों साल बाद भी अपनी जो प्रासंगिकता है या जिसको कहें अपना अस्तित्व, उसको बचाए रखे हैं। और इसीलिए ये चरम और परम की आकांक्षी है, ये राधा के लिए और राधा के लिए रोते भी हैं। उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, उधो मोहे ब्रज विसरत नाही। कृष्ण जा जा रोते हैं, राधा के लिए रोते हैं, सुदामा के लिए रोते हैं, रुक्मणी को उसके अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण बिकने तक को तैयार हो जाते हैं। यह जानते हुए भी कि दुर्योधन क्या हो गए तो उन्हें अपमान ही मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद शांति का प्रयास करने जाते हैं, शांति का संदेश लेकर जाते हैं। जो एक गाली के बाद 99 गाली तक प्रतीक्षा करता है, पूरा वैभव अपने पास होते हुए भी कृष्ण सुदामा के लिए लपट कर जाते हैं, जिसके लिए हम देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब जी ने भी लिखा है छठ सिंहासन हर जी धाये, एक सुदामा हर जी धाए, तो छठ सिंहासन हर जी आए, तो वो कई रूपों में दिखाई पड़ते हैं कृष्ण, अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम और काम अब तक अद्वितीय है, कोई उसके नजदीक तक नहीं पहुंच पाया है। और कृष्ण जब बच्चा बोल भी नहीं पाता है, बाल लीला करते हैं तो सूर सागर बन जाता है, जब वो युवावस्था में लीला करते हैं तो वो गीत गोविंद बन जाता है, जब वो कुछ बोलते हैं तो श्रीमद् भगवद् गीता बन जाती है, और जब उनके पूरे व्यक्तित्व को समेटा जाए तो 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत महाग्रंथ बन जाता है। कृष्ण इसलिए अपने आप में अद्वितीय है क्योंकि कृष्ण एते चांस कला पुंसव कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इतने कला अवतार हुए हैं ब्रह्म के, लेकिन कृष्ण अकेले हैं तो भगवान है, क्योंकि कृष्ण 16 कलाओं से युक्त है, चोर है सुलभ पट लवार है चटोकला है, तेरे डांग बारह इष्ट देवता हमारो है, चौर्य कला में भी निपुण है, लंपटता में भी है, वाक कला में भी निपुण है, पाक कला में भी निपुण है, कृष्ण अपने आप में अद्भुत है, यही अद्भुत है।
अंतरिक्ष के जन्म के उत्सव में पीढ़ी दर पीढ़ी हम इतने मगन होते हैं, इतने आनंदित होते हैं, इतने नाचते हैं, क्योंकि हर आदमी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक अपना वृंदावन है, कृष्ण है, नंद है, यशोदा है, गोपिया है, सब सारे भाव है। ये पहना दो, इनको ना पहना रही, पहले तुम कानों को पहना, मैं पहना दूंगी। जब तक जन्माष्टमी का उत्सव कैसे मनाया जा सकता है? लीजिए, अब यहाँ पर कामधेनु गाय के पयोधरों से तो अमृत गिर रहा है, उस अमृत के झरने में श्याम सुंदर वहाँ पर पहला इसको डबल लेयर कर दो, आगे तक बांध दो जी। और वहाँ से ही, अब वहाँ से उस अभिषेक के बाद जब कमर बंद तो लाएंगे हम, नृत्य गोपाल दास बैठे हैं, श्री विग्रह को लाया जाएगा, तो यहाँ पंचामृत से अभिषेक होगा, यानी गाय के दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, इनसे अभिषेक होगा। उसके बाद उनको यमुना जल से अभिषेक उनका किया जाएगा, और इसके बाद श्रृंगार होगा, बालक के श्रृंगार के बाद फिर आरती होगी, और श्रृंगार आरती के साथ ही आज का उत्सव जल के लिए आगे बढ़ जाएगा जी। और आपने कहा ना कि हर प्रभु कृष्ण है, सगुण निर्गुण, इसलिए बहुत ही खूबसूरत है भगवान कृष्ण का जो गर्दन का ये वाला ठीक है, किस तरीके से पापा को बाल दे दे कुकराले गाय के कुकराले वाले, ये राधा जी के कुकराले वाले। चलिए, वैसे भी कहा जाता है ना, गोपियों ने भी वही कहा था ना, उनको मन न भय दसवीं, एक भय तो भय श्याम संग को अपराध है ईस, मतलब सगुण में भी इतना ज्यादा हो गई थी गोपिया, सगुण निर्गुण किसी भी परिपूर्ण, आप कृष्णमय हो सकते हैं, ये कर दो ना इनका, तुझे जैसा करना है करा, कर दो, बाकी कानों के पहना दिए, माला पहनाई, माला लो, बाकी चीज तैयार तो करते हैं उनको, बाकी मैं फाइनल कर दूंगा। लड़ते हैं, सत्य के लिए लड़ते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि अगर
आपकी मर्जी सत्य के साथ है और आपकी गति धर्म के साथ है तो आपका रथ स्वयं भगवान हाकेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धर्मधर तत्र श्री विजय भूता ध्रुवादित्य प्रतिर्मदा। यानी जहाँ पर कृष्ण रथ के सारथी हो और जहाँ पर पार्थ जैसे धर्मधर हो, यानी आपकी गति और मति गति धर्म के साथ पानी में मट हो ये काली पड़ जाती है। शरीर का आत्मा का रथ है वो रथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं हाँकते हैं।